हेलो गाइज, वेलकम टू अवर एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो आज हम साइंस का जबरदस्त एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए। हाँ गाइज, आज हम बनाएंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो नॉर्मली हमारे फ़ोन की तरह वर्क करेगा, लेकिन हम पहले के ज़माने में उसका यूज़ करते थे, लेकिन आज हमारे पास स्मार्टफोन है इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा जिससे आवाज़ को कहीं और जगह लंबी दूरी पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ज़्यादातर 50 या 100 मीटर तक ही उसको यूज़ किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो उसको हम आज बनाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, माइक्रोफोन बनाने के लिए हम एक धागा और दो प्लास्टिक यानी कि चाय के कप का यूज़ करेंगे, और फिर मैं इस कप के दोनों छेद कर दूंगा और फिर इसके बीच लगा देंगे धागा और हमारा जो माइक्रोफोन है वो बन जाएगा। और उसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखाने वाला हूँ जिससे ये माइक्रोफोन वर्क करता है या नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से मैं इस माइक्रोफोन को बनाता हूँ और आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने माइक्रोफोन बना दिया है और मेरे पास दो बड़े कप है, ये प्लास्टिक का कप है, और मैंने इसके साथ बहुत सारा लंबा धागा भी लगा दिया है ताकि हम दूर का कांटेक्ट चेक कर सकें और जिससे कि हमारा जो माइक्रोफोन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं वो भी हम देख सकें। तो जल्दी से मैं अब इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने एक माइक्रोफोन के कप को मैंने पकड़ा है और एक मेरे दोस्त ने, और वहाँ पर वो जो बोलेगा वो यहाँ पर सुनाई देगा और मैं यहाँ पर जो बोलूँगा वो उसको सुनाई देगा। तो अब मैं बोलता हूँ और उसको सुनाई देता है या नहीं वो मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। तो यहाँ से तो वहाँ पर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये वर्क करता है या नहीं। तो अब वो सामने से बोलेगा और मैं स्पीकर से आपको सुनाऊंगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। तो गाइस, अब मैं इस माइक्रोफोन से उस ओर से गाना बजाने के बाद इस ओर से आपको सुनाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि हमारा जो माइक्रोफोन है वो वर्क कर रहा है या नहीं। आपने सुना होगा कि इस माइक्रोफोन से उस ओर से बजाया हुआ गाना भी यहाँ पर सुनाई देता है, यानी कि इसका जो ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ है और वो है ये धागा, और इसकी मदद से यहाँ का साउंड वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और वहाँ का साउंड। जब छोटे थे तब भी इसका यूज़ करते थे और इसका यूज़ हम सिर्फ खेलने के लिए करते थे, लेकिन इसके पीछे का साइंस हमें नहीं पता था। तो अब आपको इसका साइंस पता चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो हम जब बोलते हैं तो यहाँ का साउंड इस धागे की मदद से उस वाले कप में सुनाई देता है और उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। क्लियर। आई होप गाइस आपको हमारा माइक्रोफोन पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, आप ऐसा घर पर बना सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नए और अलग से एक्सपेरिमेंट के साथ, वो भी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।